हमने देखा कि इंटरनेशनल लॉज को लेकर के काफ़ी अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं स्कॉलर्स ज्यूरी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के थ्रू। हम बात करेंगे प्रोमिनेंट ऑथर के बारे में जो कि प्रोफेसर ओपेनहाइम। इन्होंने अपने डेफिनेशंस को डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं या लॉज ऑफ नेशन है, ये बेसिकली क्या है, ये है एक बॉडी ऑफ रूल्स जो कि सिविलाइज स्टेट के आपस के जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर कुछ ऐसे कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स हैं जो लीगली बाइंडिंग है। बेसिकली इन्होंने अपने यहाँ डेफिनेशंस को लिमिट कर दिया बाय यूजिंग द टर्म सिविलाइज स्टेट, क्योंकि ये बोला गया कि जो डेफिनेशन है काफ़ी इनएडिक्वेट है और इसको काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म फेस करना हुआ। क्रिटिसिज्म के दौरान कहा गया कि सिविलाइज स्टेट उसको नहीं कहा जाएगा किसी भी कंट्री की उसकी लॉन्ग हिस्ट्री या किसी भी कंट्री का कल्चर इस बात को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन सा स्टेट सिविलाइज्ड है और कौन सा अनसिविलाइज स्टेट है। इसीलिए फॉर इंस्टेंस चाइना का जो कल्चर है वो 5000 साल पुराना है, बट स्टिल इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ सिविलाइज स्टेट।